Hi guys, how are you all? So welcome to my next vlog. Today we are leaving for Gulmarg. Or so the taxi is almost here and we are leaving for Gulmarg now. Guys, we are on the way to Gandola and here's the counter. So let me show you. ये अंदर की एंट्री है, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री होती है आपकी. एंड लुक कितनी भीड़ है इतनी ठंड में भी. हमारा टिकट पहले से बुक था, हम 8 लोग हैं और काफ़ी बड़ी लाइन होती है. हमने पहला चेक तो पास कर लिया है, बस अब हमारी एंट्री होगी. एक्चुअली अगर आप टिकट करके जाएंगी पहले से, ऑनलाइन टिकट करके जाएंगे तो लाइन, टिकट खरीदने के लिए भी लाइन होती है. तो इसलिए पहले से ऑनलाइन टिकट हमने बुक करा था, तो ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपको यहाँ के बुक नहीं कराना पड़ता. तो गंडोला राइड में ना दो फेजेस हैं, फेज वन एंड फेज टू. फेज टू पे आपको थोड़ी बहुत बर्फ दिखेगी, बट फेज टू इज अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल. गंडोला फर्स्ट राइड से फर्स्ट फेज पे पहुंच चुके हैं और घुसते ही मुझे परफेक्ट सा व्यू दिखा, पर हम सेकंड फेज पे पहले जा रहे हैं. सेकेंड फेज पे पहले जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा अच्छा व्यू होगा. तो नाउ फाइनली वी आर मूविंग टूवर्ड्स फेज टू. फाइनली हमने गंडोला राइड कर ली. इट वॉज अमेजिंग, वी हैड सो मच फन. यू कैन सी द माउंटेंस बिहाइंड मी. पर बच्चों के लिए थोड़ा अजीब हो गया. उन्होंने काफ़ी देर तक बहुत इंजॉय करा, पर उसके बाद देवर सो मच क्रैंकी, उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, जबकि मैं अनिका को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके आई थी. सो हमें थोड़ी जल्दी आना पड़ा वहाँ से, बट वी हैड सो मच फन. फाइनली वी हैव रीच्ड क्लास इन एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन. हमारा सुबह से रूम बुक था, बट हमने सोचा पहले एक्सप्लोर कर लें, घूम लें फिर लें. गाइज, नेक्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करूंगी बेताब वैली का, जो कि हमारा लास्ट डे था कश्मीर में. वो जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी. तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय, सी यू अगेन, सब्सक्राइब नाउ.